हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो हम क्या कर रहे थे, क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या की थी, एक्सरसाइज 2.3 की थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं डायरेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले से रीड करते हैं, क्या कह रहा है, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from 8. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अब देखिए, Amina thinks a number. अब हमें नहीं पता उसने क्या number choose किया है, thinks क्या, तो इसको let करते हैं. Let the number be x. हम उस number को x मान लेते हैं. अब क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 5 बाई 2 फ्रॉम 8। अब उसने उस नंबर में से क्या किया, 5 बाई 2 माइनस कर दिया। तो चलिए हम भी करते हैं, x में से 5 बाई 2 माइनस करते हैं। She multiplies the result by 8। अब इसको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया, उसने क्या किया, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें तो पता नहीं कि x क्या है, लेकिन हमें पता है कि कुछ भी अगर इसमें से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, यही होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा। तो सेम x में से 5 बाई 2 माइनस करेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट होगा, उसमें क्या 8 को मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब इस पूरे का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जो उसने नंबर जो सोचा था उसका 3 टाइम्स आया। उसने नंबर के सोचा था x, तो उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। पहले 8 को x से, उसके बाद 8 को 5 बाय 2 से। तो करते हैं, 8 को x से करेंगे तो 8x माइनस 5 और इनटू 8, 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3x। अब क्या करना है हमें, 3x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो उधर किस में है, ये प्लस में, साइड चेंज करेगा तो माइनस में। एंड 40 बाय 2 को ले जाएंगे कि इधर राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस में, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव में। अब 3x, 8x माइनस 3x क्या होगा, 5x इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, 40 डिवाइड बाय 2, इसको पहले ही काट देंगे तो क्या बनेगा, 20। 5x किसके आ जाएगा, इक्वल 20 के। इसको आगे देखते हैं, तो 5x क्या आया हमारा, इसके इक्वल 20 के इक्वल आया। अब x के साथ 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में, x क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5। एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 क्या आता है, 20। x की वैल्यू आ गई 4। तो जो उसने नंबर जो उसने लेट किया था, जो उसने सोचा था, वो क्या था, 4 था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? अब क्या करना है हमें, a positive number is 5 times another number. उसने एक another number को सोचा और उसका क्या है, 5 times है, क्या है, positive number. अब क्या करते हैं, let the number be x. सबसे पहले number को x let कर लो। अब क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर्स है वो उस नंबर का 5 टाइम्स है, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इस वाले नंबर का 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स क्या होगा, 5x। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। वो कह रहा है कि अगर दोनों में 21 ऐड कर दें तो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक नंबर x है और x क्या है हमारे पास, 5x है। अब क्या करना है, उसने क्या बोला, दोनों में 21 ऐड करना है, तो दोनों में 21 ऐड करेंगे, इधर भी 21 ऐड करेंगे, इधर भी। तो उसने क्या बोला कि जो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो इससे क्या हो जाएगा, एक नंबर डबल हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया एक नंबर क्या हो गया, इसके डबल हो गया। डबल हो गया का मतलब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि एक नंबर एक से डबल है, तो उसके इक्वल में ही तो दूसरे नंबर को लिखेंगे। तो अब क्या करना है हमें, इक्वेशन बन गई, अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले 2 को x से, उसके बाद 21 से करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2x
प्लस 2 इंटू 21 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब क्या करना है, 5x को इधर लेके आएंगे और 42 को उधर लेके जाएंगे, तो 2x 5x उधर किस में है, प्लस में, साइड चेंज करेगा तो माइनस में। अब 21 लिखा, 42 इधर प्लस में, साइड चेंज करेगा तो माइनस में, तो करते हैं 2x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस का 3x बचेगा, 21 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस का 21 बचेगा। अब x लिखा, 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में, माइनस 21 अपॉन में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 7 क्या होता है 21, x की वैल्यू आ गई कितनी 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब x हमने क्या लेट किया था, अदर नंबर, अदर नंबर जो था हमारा वो आ गया क्या 7। अब पॉजिटिव नंबर क्या था, क्योंकि हमें इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में व्हाट आर द नंबर्स, हमें दोनों नंबर्स बताने हैं, तो अदर नंबर था वो हमारा 7 था, पॉजिटिव नंबर क्या था 5x। अब x की वैल्यू क्या थी 7, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35, पॉजिटिव नंबर है हमारा 35, अदर नंबर जो हमने सोचा था लेट किया था वो क्या है 7, तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two-digit number? अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्या रहा है। Sum of the digits of a two-digit number, एक two-digit number है, ये उसकी first digit होगी, ये उसकी second digit होगी। क्या रहा है कि उन दोनों का sum क्या है? 9 है। For example, अगर मैं 3 और 1, ये two-digit number है, अगर मैं बोलूँ इनका sum क्या है? क्या होगा? 4 होगा। तो सेम ऐसे ही टू डिजिट नंबर है, अब हमें नहीं पता वो क्या नंबर है, लेकिन इनका सम हमें पता है क्या है 9 है। तो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब देखो अब हमें नहीं पता टू डिजिट नंबर में क्या है, लेकिन हमें इसका सम पता है क्या है कि 9 है। अब देखो अगर हम टेंस प्लेस वंस प्लेस की डिजिट को x लेट करें, तो हमें देखो इन दोनों का सम दे रखा है हमें क्या है 9। अब हमें ये पता है कि एक डिजिट इसकी x है, वो हमने लेट की, तो हमें ये वाली डिजिट निकाल लेंगे हम, क्या होगी ये वाली डिजिट, क्या होगी 9 माइनस x। अब ये कैसे, ये ऐसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक x है, अगर 4 है और अगर 5 गिवन है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें x है और 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 5 माइनस 4। अब सेम क्या है, सेम हमें यही तो वैल्यू निकालनी है, अब हमें ये वाली डिजिट पता है, पता मतलब कि डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमने x लेट कर ली तो वैसे हम बोलेंगे कि पता है। तो ये डिजिट हमें x है, इसका सम 9 है, तो जब x इधर साइड चेंज करेगा तो माइनस x हो जाएगा, तो हमें जो ये वाली डिजिट थी ये क्या हो गई हमारी सेकंड डिजिट 9 माइनस x हो गई। सेकेंड डिजिट क्या होगी 9 माइनस x, तो ये है हमारी x और ये है 9 माइनस x, ये है वंस प्लेस की और ये है टेंस प्लेस की। अब इसको हम सॉल्व करके लिखते कैसे हैं, अब देखो एक चीज और समझो कि अगर आपको गिवन है 37, तब आपको बोलेंगे कि इसको एक्सपेंड करके लिखो, आप कैसे लिखोगे, आप 30 प्लस 7 ऐसे लिखोगे, अगर आपको दिया हुआ है 42 दिया हुआ है तो आप 40 प्लस 2 ऐसे लिखोगे, अगर आपको 537 गिवन है तो आप कैसे लिखोगे इसको 500 प्लस 30 प्लस 7। तो हम क्या करते हैं कि इनकी यूनिट प्लेस के हिसाब से इनके अंदर 1000 ये चीज मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसमें हमने 1 की मल्टीप्लाई की, जो 10th प्लेस पे है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें ये 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 लिखा, फिर 3 को 10 से करेंगे तो 30 लिखा, एंड 7 को 1 से करेंगे तो 7 लिखा, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं। अब देखो
अब ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि अब हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो हमें टेंस डिजिट पता है, वंस डिजिट पता है, लेकिन अब हम टेंस को डायरेक्ट 9 माइनस एक्स तो नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये वंस डिजिट पे है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और 9 के 9 माइनस एक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इधर लिखते हैं 9 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से होगी, और प्लस करेंगे क्या इसमें x, तो आएगा क्या हमारा आंसर 9, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो डिजिट का नंबर है, जब दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो हमने सेम इक्वेशन को क्या किया, एक्सपेंड करके लिख दिया जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब देखो इनकी क्या करना है, हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, मतलब जो वंस डिजिट पे थी उसे टेंस पे ले जाना है और जो टेंस थी उसे वंस पे। अब हमारी क्या थी, यहाँ देखो 9 माइनस एक्स ये थी हमारी टेंस प्लेस पे और एक्स थी हमारी वंस प्लेस पे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगी और ये 9 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये क्या है हमारी वंस प्लेस पे, ये क्या हो गई टेंस प्लेस पे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा, हमें 10 की मल्टीप्लाई अब इससे करनी पड़ेगी और इसकी करनी पड़ेगी 1 से, क्योंकि जो 10 की प्लेस पे है उसको 10 से, जो 1 पे है उसको 1 से। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, अब उसी के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, अभी कितनी ज्यादा थी इससे न्यू नंबर से 27, तो प्लस कर देंगे 27। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 10 इंटू 9 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स प्लस 27। अब 10x माइनस एक्स क्या होगा, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब माइनस 10x और प्लस x क्या होगा, माइनस का 9x बनेगा, तो 90 माइनस 9x प्लस 27। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9x को माइनस में है, साइड चेंज करके प्लस में इधर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 27, अब 9 किस में है इधर प्लस में, साइड चेंज करेगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 17 माइनस 9, तो 18x इज इक्वल्स टू 108, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 अपॉन में 18। अब इसको क्या करेंगे और डिवाइड फर्दर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 इंटू 9 18 होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, लेकिन हमने जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था x, ये डिजिट क्या थी 9 माइनस एक्स। अब हमारे पास क्या आया, सिर्फ x आ रहा है, x क्या है 6। अब जब सेकंड डिजिट क्या होगी 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 6 क्या होगा 3, तो टेंथ प्लेस की डिजिट हमारी 3 है, वंस प्लेस की क्या है 6 है, तो नंबर क्या है हमारा 36। अब इसने क्या बोला था, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या 9 आएगा, तो 6 प्लस 3 क्या होता है 9 ही होता है, तो हमारी वैल्यू क्या है एक्स जो है एकदम करेक्ट है। तो हमारा वंस प्लेस का हो गया 6, टेंथ प्लेस हो गया हमारा 3, तो नंबर क्या हो गया 36। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 4 भी, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब देखो कह रहा है कि दो डिजिट का एक सेम हमारे पास नंबर है, अब क्या करना है, इसकी जो
दूसरी डिजिट है वो पहली डिजिट से क्या है, थ्री टाइम्स है, उसकी थ्री टाइम्स है। अगर ये हम इसको x सेलेक्ट करते हैं वंस प्लेस की, तो टेंथ प्लेस की क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि x का थ्री टाइम्स क्या होगा, 3x। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। अब देखो जब हम इसकी इंटरचेंज करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये क्या होगा हमारा x, और ये क्या होगा 3x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 10 into 3x plus x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10x plus 3x। अब आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें, इसको भी इन दोनों नंबर को ऐड कर दें, एक तो हमारी एक्चुअल डिजिट ओरिजिनल नंबर और एक हमारा इंटरचेंज किया हुआ नंबर, तो क्या आएगा इनका सम, क्या आएगा 88 आएगा। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सो 10 इंटू 3x क्या होगा, 10 इंटू 3 30, तो ये हो जाएगा 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 31x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 88। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 44x इज इक्वल्स टू 88। x की वैल्यू क्या होगी, 88, 44 मल्टीप्लाई में है तो पहुंच जाएगा डिवाइड में, ये जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है, हमें अभी पूरा नंबर नहीं मिला। अब नंबर क्या होगा हमारा, ये डिजिट x थी, इसकी 1s पे और 10s पे क्या थी, 3x थी, तो x क्या है हमारा, 2। 10th डिजिट पे क्या हो जाएगा, 3 into 2, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो नंबर क्या है हमारा, 62। तो ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट। लेकिन आप अगर देखो इसका इंटरचेंज वाली डिजिट, तो वो भी क्या होगी, इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, 26 हो जाएगा। तो 26 भी कैसे हुआ, अब देखो इंटरचेंज वाली भी ले लो, ये थी x, ये थी 3x, इसको करेंगे 3 into 2 और ये क्या था 2, तो ये 2 और 6, इंटरचेंज वाला जो नंबर था वो हमारा 26 था और ओरिजिनल नंबर हमारा 62 था। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर, ये क्या है, इंटरचेंज नंबर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? अब देखो, Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. जितने साल का Shobo अब है, जो Shobo की उम्र इस टाइम है, उसकी मदर क्या है उससे 6 times ज्यादा है। अगर हम करते हैं, let the x, Shobo की एज अगर x है प्रेजेंट में, तो मदर की क्या हो जाएगी, इसकी 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स क्या होगी, 6x। तो क्या रहा है कि Shobo's एज 5 years from now, अगर हम अब से Shobo की एज 5 साल बाद देखें, तो वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है। मतलब ये Shobo की एज है और ये इसकी मदर की एज है। अगर Shobo की एज आज से 5 साल बाद देखें, तो 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, जो इसकी प्रेजेंट एज है, इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये इसकी 5 साल बाद एज हो जाएगी। तो इसकी 5 साल बाद की एज इसकी मदर की प्रेजेंट एज, जो कि 6x है, इसकी क्या होगी, 1/3 हो जाएगी। Shobo की प्रेजेंट एज 5 साल बाद क्या होगी, x प्लस 5, तो किसके बराबर होगी, इसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3। अब इसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 6x, तो उसका 1/3 कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6x इंटू 1/3, 3 इंटू 2 6 होता है, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x हो गया। अब x को क्या इधर ले जाते हैं, तो
फाइव इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स, क्योंकि प्लस में है साइड चेंज करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 2x में से x माइनस होंगे, तो x क्या है 5 है। अब देखो शोभो की प्रेजेंट एज 5 है और इसकी मदर की एज क्या होगी इसके 6 टाइम्स, तो 5 इंटू 6 क्या होगा 30, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या है 30 है और शोभो की प्रेजेंट एज क्या है 5 है। अब हम एक बार इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे देखो इक्वेशन में क्या बोला था, शोभो की एज आज से 5 साल बाद, तो शोभो की अगर प्रेजेंट एज 5 है तो 5 साल बाद कितनी होगी 5 प्लस 5 10 होगी, तो इसकी जो एज 5 साल बाद जो बताई गई थी वो क्या थी, इसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या है 30, 30 का क्या था 1/3, इसको करेंगे तो 10, इधर भी 10 और इधर भी 10 होगी बराबर, तो इसका मतलब क्या जो हमारी x की वैल्यू आई 5 वो क्या करेक्ट है, शोभो की प्रेजेंट एज क्या है 5, मदर की प्रेजेंट एज क्या है 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन महुली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 At the rate 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000. To fence the plot, what are the dimension of the plot? देखो, हमें एक rectangular plot है, ये पता है। हमें उसकी dimension नहीं पता, लेकिन उसकी किस ratio में है, ये पता है। और हमें पता है जो इसकी fencing का काम होगा। Fencing मतलब boundaries के चारों तरफ का area cover करना है हमें fencing के through। वायर जो लगाते हैं तो उसमें क्या है 100 रुपीस पर मीटर है, मतलब एक मीटर जो लेंथ पे जो वायर लगेगी उसकी कॉस्ट क्या है 100 रुपीस है और टोटल पैसे कितने गए हैं 75,000। तो हमें क्या बतानी है प्लॉट की डायमेंशन। अब समझो इसको, ये हमारे पास प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। अब देखो इसकी फेंसिंग कहाँ कहाँ होगी, इस वाली बाउंड्री पे, इस वाली बाउंड्री पे, इस वाली बाउंड्री पे एंड इस वाली बाउंड्री पे। अब देखो चारों बाउंड्रीज पे जब फेंसिंग होगी तो जब चारों की लेंथ को ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, इसका पेरीमीटर हो गया इस प्लॉट का, प्लॉट की शेप में है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। अब देखो पेरीमीटर निकालना है हमें, उसके लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए लेकिन वो हमें नहीं पता। अब इसको करेंगे कैसे, हमें लेंथ और ब्रेथ की रेशियो गिवन है 11:4। अब जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया हुआ है हमें क्या करना है, सिंपल इनके आगे x लगा देना है और इसको सॉल्व करना है कैसे। अब लेंथ क्या है 11:4 है तो लेंथ को लेट करते हैं 11x और ब्रेथ हो जाएगी 4x। ये है हमारी लेंथ और ये है हमारी ब्रेथ। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी, क्योंकि हमें तो पेरीमीटर ही निकालना है क्योंकि फेंसिंग तो बाउंड्रीज पे ही होगी ना, और बाउंड्रीज का मतलब क्या है जब सारी बाउंड्रीज की लेंथ का सम करेंगे तो वो तो पेरीमीटर ही होगा। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अब वो देखो कैसे निकलेगा, अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या गिवन है कि 100 रुपीस पर मीटर, मतलब कि अगर एक मीटर लेंथ पे फेंसिंग होगी तो कितने इसको खर्चा आएगा 100 रुपए का खर्चा आएगा। अब देखो लेकिन इसे टोटल खर्चा आया कितने का 75,000 का। अब एक मीटर पे 100 रुपए टोटल लगा 75, तो 100 से 75 कितना ज्यादा है 750 टाइम्स ज्यादा है ना, क्योंकि 750 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 आएगा। अब मतलब क्या है कि एक एक मीटर करके उसने 750 बार, मतलब 750 टाइम्स वायर लगी। अब तो इसको भी क्या करेंगे 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ जो थी हमारी वो 750 मीटर हो गई, क्योंकि सिंपल देखो आप एक मीटर के 100 रुपए तो 750 मीटर के तो 75,000 जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो
अगर 1 मीटर लेंथ पे फेंसिंग करेंगे तो उसे कितने लगेंगे अमाउंट, 100 रुपए का अमाउंट लगेगा, तो उसे कितना मीटर पे फेंसिंग करानी होगी कि उसे 75,000 लगेगी, 750 मीटर ही तो होगा। अब देखो 750 मीटर क्या है, उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो हमारा पेरीमीटर मिल गया हमें 750 मीटर है, ये क्या हो गया 750 के बराबर हो गया। अब हमें लेंथ और ब्रेथ ही तो फाइंड करनी है, अब करते हैं। ये है तो लेंथ कितनी थी 11x, ब्रेथ कितनी है 4x, पेरीमीटर कितना है हमारा 750। अब इसको सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, पहले 2 को 11 से, उसके बाद 2 को 4 से, तो ये हो जाएगा 22x + 8x = 750। 22 में 8x को ऐड करोगे तो 30x = 750। अब 30x के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर डिवाइड में आएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा 750/30। देखो 0 से 0 कैंसिल की, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 क्या होता है 6, बचा 1, 1 5 के साथ जाएगा 15 बनेगा, 3 × 5 क्या होता है 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब ये हमारी एक्स की वैल्यू आई है, ना अभी लेंथ आई है ना ब्रेथ आई है, हम इससे लेकिन एक्स की वैल्यू से क्या लेंथ में निकालेंगे और ब्रेथ भी। लेंथ क्या थी 11x, 11x का मतलब एक्स की वैल्यू पता है, तो करेंगे 25 से, मतलब 25 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 275, यही होगा 275 मीटर। तो क्या है लेंथ है, ब्रेथ क्या थी 4x, तो 4 × 25, 25 × 4 क्या होगी 100 मीटर, 100 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई और लेंथ होगी इसकी 275 मीटर। ये होगी लेंथ और ये होगी इसकी ब्रेथ। तो अब देखते हैं, तो देखिए अब इसके बचे कितने आ गए 4 क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, आप एक बार इन 4 क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए, अब देखिए आपसे होते हैं नहीं होते। अगर आपसे ये नहीं होते, आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, टिल देन थैंक यू।